हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर लो भाई, आराम मुट्ठी बंद कर लो, थोड़े कड़े हो जाओ, क्या बात है। बोलो इंकलाब, इंकलाब। देखो संदीप भाई ने जो बात कही है, क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी भाई रहे, आयो जेल जाल केस क्यास भुगते, जो भुगत रहे हो ना, उन नसरी बात अबेरा हो है, कोई तो बता दे है, कोई ना बता, पेलड़ ने कोई भी पेल दे, क्या मैं भी पेल दे, हजारों बाड़ा काड़े बैठे हैं आप, अलग अलग समस्याएं लेकर बैठे हैं। कल बेरोजगार बाड़ा के देखे थे भाई, किसी ने मुख्यमंत्री देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, हाथ ठाक बताइए भाई, हाथ ठाक बताओ, सारे हाथ ठा लो, दोनों हाथ देखे होंगे, आज भी आप लोग आदमी तारे हो गए ना, भूत बात नहीं, अरे आदमी हो गए ना, यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी, कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है नहीं हो, अब मैं टूर मारना रे बाद काम है, ये जो दुख दर्द लेकर आ रहे हैं ना, वे आ रहे हैं हडलो, कोई उसे उसमें नहीं आ रहा, अगर कोई 500 रुपये मारा है, पौए मारा है, वो थोड़ी आ रहा है कोई। तो पहले मैं बात करूं बेरोजगार भाइयों की, 4 साल हो गए इन वर्का ने धक्के खाते, 4 साल इनकी जो फुटबॉल मेरे ख्याल में बनी है इस राजनीति के चक्कर में, मेरे ख्याल में किससे की नहीं बनी होगी, तो बढ़िया कि नहीं बढ़िया भाई, अरे रुका मारेगा बताओ, ये प्रशासन के भी आदमी आ रहे हैं अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एक बहन तेन बताओ हमारी प्राण माटी हुई है ना हुई है, इतनी इतनी आवाज में को ना इन नवीना सुने, थोड़ा रुका मारेगा बताओ, शोक में कौन बैठा है ने? भाई सीधी सीधी बात कर लू, कल बेरोजगार की अदालत लागी मुख्यमंत्री ती बात जानी तो सी है मेरे ख्याल में, अगर आंख भी ठीक है कान भी ठीक है तो है ना, अब मोटी एक बात है, जितने बेरोजगार भाई है वे सुन लो, जो 25,000 नौकरियां का मामला, मुख्यमंत्री साहब कल कहे हैं हक भाई, वो के नाम है जयराम रमेश अबला कांग्रेस वाला, वो अपनी एप्लीकेशन उल्टी ले लो, हम तुरंत भर्ती कर देंगे, वे नुके हैं हक भाई ना चुनाव में नहीं होनी चाहिए, तो भाई मार दो तो ऑप्शन है ही, मैं सरते बताऊं ये भर्ती आज की तो लटक नहीं रही, ये भर्ती 4-5 साल की लटक रही है, एक बात क्या मुख्यमंत्री जी को इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में नहीं जाना चाहिए भाई परमिशन लेने के लिए, आठा का बताओ, रुका मारेगा बताओ भाई, जब हाईकोर्ट ने पहले भी कह रखे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखे इन्हें भर्ती करो, दूसरी बात ये भी और ये राजनीति क्योंकि फुटबॉल बना रखी है, दूसरी बात यह है भाई, जो जयराम रमेश जी है हम तो भाई उन तभी हाथ जोड़ा अपनी उल्टी ले ले भाई एप्लीकेशन में, जब यही बात कहे तो लेडी सी अगर नहीं लेडी सी उल्टी भाई, अरे रुका मारे बताओ एप्लीकेशन उल्टी लेडी सी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने परियण गेर दी फुटबॉल अकुओ दे देगा, वो कह देगा उल्टी ले लेगा, तो मैं लिस्ट ला दूंगा, तो भाई ना तो हम जयराम रमेश ने जानते ना मुख्यमंत्री ने जानते, भाई हमारा को ढंडी तो है नहीं कोई सा, तो क्या करना चाहिए भाई, क्या करना बताओ, फसा दिए नहीं फसा दिए, ये आप
मजिस्ट्रेट साहब थोड़ी देर कृपा करके अगर आप गाड़ी में बैठ जाओ, कोई बात ना, गर्मी हो रही होगी ज्यादा हो रही है, कोई ना, आराम से बैठो। भाई मेरे को जो समझ में आवे है, बाकी थारा डिसीजन होगा, तुम जबर को गए गल्ला है गल्ला खड़ा है, मैं तो उल्टा अटता नहीं हूं। मेरा एक मकसद है भाई, इन बड़का की करीब 25,000 जो जॉब है, कल भी मुख्यमंत्री साहब ने कही है तो भाई दे दे। और जो यह बात कहे 4 अक्टूबर के बाद शपथ पाठ से लूंगा, पहला लूंगा महाराज, ये शपथ दवाणी तो देखो मेरे हाथ में है, भाई हम तेनू कह है, एक कह रहा था पांच से बोला, दूसरी बार और तीसरी बार महाराज हम हाथ जोड़ा है, इन 25,000 बड़का ने भर्ती कर दे मारे लग के, तू 500 साल मुख्यमंत्री राम ने कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई पार्टी वाले नहीं बैठे, अरे सारे दुखी आ रहे बैठे, हाँ सही बात है, ये तीसरी चौथी बार भाई नहीं कहा, 5 साल में रिजल्ट आ जा है, हरियाणा में से इसे बड़ा कभी 10-10 साल हो गए रिजल्ट नहीं आ लिया हूं भाई, तक तो भाई ये बेरोजगार या सीधी बात है ना भाई, इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहे हैं आचार संहिता, भाई आचार संहिता में थोड़ी होगा ये काम, भाई आचार संहिता कितनी हरती अड़े है तो हाईकोर्ट से हट जाएगी, भाई हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो हम फिर थर तक कुछ नहीं कहते, गलत बात है भाई। भाई अगर हाईकोर्ट न्यू कहे मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब अकबर रिजल्ट नहीं काटना तो भाई फिर हम आपने कुछ नहीं कहते, और नहीं तो भाई देख मेरा तो एक बात समझवा हुआ है सारी बात, जो भी सिचुएशन है उसने ध्यान में रख के हक भाई 2-4 दिन का टाइम दे के मुख्यमंत्री तक हमने टाइम दे रहा है, क्या बात कह भाई हाईकोर्ट में हम जाओ है, और नहीं तो फिर हम टाइम देगा मुख्यमंत्री दो रसी दे सालों में देखी जाएगी, सोचो होगा पकड़ा झगड़ी हो जाएगी, फिर गलत बात तो नहीं है भाई। भाई तो बात यह है अगर मैं 5-4 दिन का टाइम है, शुक्रताई गाला ले बृहस्पति का दे दे मुख्यमंत्री साहब इन बड़का ने बुला ले, इनकी समस्या का समाधान कर दे, हाईकोर्ट में चला जा, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं अगला नाटक आते ठीक है, और नहीं तो फिर शनिवार ने भाई मुख्यमंत्री के बार नहीं चालो सीधा, फिर और कोई रास्ता है नहीं, मान लो प्यार हो नहीं हो, मजिस्ट्रेट साहब बैठे नहीं कहेंगे इतनी जोर से कैसे तैयार होंगे, भाई थोड़ा रुका मारेगा बताओ, तैयार हो नहीं हो, तैयार होना सारे, फिर भाई देखो आप किसी पार्टी का अपना कोई मतलब नहीं, फिर यूड़े तो बात नहीं बनी तो फिर आपने जाना पड़ेगा भाई जयराम नरेश दो रहे ना, तो अपना अपना हुड्डा साहब दौरे दीपेंद्र दौरे साल पढ़ाएंगे, अगर भाई तू कहते उसकी एप्लीकेशन ठवा ले ठीक है ना, अगर भाई एमपी साहब है विपक्ष के नेता है हुड्डा साहब है आप कहो बड़का तक भाई हम अपनी एप्लीकेशन था जो गेंद आपके हाथ हम गेर दिन आप कहो अगर भाई या एप्लीकेशन हम उठावे हैं ई मुख्यमंत्री साहब इन बड़का की ज्वाइनिंग दे दे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार, उक्का मारेगा बताओ, और अगर ये नहीं देंगे ये हुड्डा साहब नहीं कह रहा हूं मैं या कोई भी कांग्रेस का नेता, हमने नहीं मेरा पूर्ण मुख्यमंत्री बना क्योंकि सारी पार्टियां मुख्यमंत्री में गैंग वार कर रहे बहुत खतरनाक लेवल की है ना, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं भाई आप फिर वो ये क्या भाई हमारी सरकार आओगी तो सबसे पहले इन बड़का की ज्वाइनिंग करवाई जाओगी है भाई, अरे क्या मैं गलत बात तो ना बोलू हूं मैं जाना सी है ना, मैं दोनों में दो रहे हैं
गरीब को जितनी बाकी बच गई है पार्टी अंत हम नु कहे हैं हम किसा पार्टी है नहीं तम ने बिहान ना लाना चाहिए इस बात का लाना चाहिए सारा ने तो भाई मेरा अपना तो यो ही मानना है आज और बहुत लोग आ रहे हैं ये 6000 रुपए वाले सीपीएल आ रहे हैं एलसीएल आ रहे हैं 0 रुपए वाले भूत कर्मचारी उनको डराया गया धमकाया गया अब जाए उड़े तम अदालत में चले जाएंगे मतलब इसी अदालत में रह जुड़ता वो यमराज की अदालत चल रही है जाते ही मरेंगे भाई है अठा हमने तो मैं प्लेटफॉर्म दिया लोगों को अपनी बात है रखने के लिए अपनी बात ठाने के लिए जो एक क्या है एक बार तो मैंने तभी बता दे भाई सीटी वाली तो होगी बात अपनी फिर ये डिस्चार्ज उमगाड़ आए थे भाई 1918 के की गाना है ये अच्छा क्या भाई इनको हटाना चाहिए था बिना नोटिस के है ना भाई बिना नोटिस ये सारी चीज लेते हैं ऐसे क्या मना करो और हम तो सारी पार्टियां ने कहा अपने मैनिफेस्टो में डालो पक्ष विपक्ष का सब अपने इन बातें पाए अपनी बात रखो अपनी बात जो गलत बात नहीं है भाई भैया मैनिफेस्टो और कागज पर लगा के फाड़े समस्या वाले हरियाणा के सारे समस्या वाले हैं ये भाई बड़ा काड़े और मेरे ख्याल में झूठते ये बोलते नहीं होंगे हाँ तो भाई इन भाइयों की गल्ला खड़े हो तुम सारे दोनों अठा का बताओ फिर भाई एक बहुत बड़ा मामला था छोरी आप क्या बोल के भी गई होगी वे जाली होगी आड़े है ये पूरे नहीं हुए तुम्हें कोई बात ना मंडासे मारा हो शक्ल ना दिखेगी मंडासे मारे हो इन छोरी गल्ला इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है मैं तुम्हें बताऊं पीजीआई में कर रखी है आखिर के जाने बुझ गए फैल कर दिए पेपर ले रही है अपने हाथ में सारी कटवा रही है कॉपी कति काटा मार रहा है क्या है अरे ये तैयार है बेचारी क्योंकि छोरी है भाई डरती ना हजारों लड़कियों के साथ ही हो रहा है हरियाणा में ऐसा कहेंगे भी चल रहा है आज लड़कियों को जाने बुझ के फैल कर देते हैं फिर जब लड़की वहां पर चक्कर काटे है बेचारी तो कोई पैसे का कोई किससे डालगा कोई किससे डालगा आप लोग मैं सारी बात आपने अड़के नहीं सकता आप लोग सोच के देखो ये हाल है अरे इन छोरे कितने चक्कर काट लिए छोरी सात चक्कर काटते हैं ये तो सिरसादारी है बेचारी इनने कॉपी दिखाई मेरे पे मतलब मैं भी पीएचडी हूं थोड़ा बहुत मन ने भी आवे है ये नम करे है मन फिजिकल एजुकेशन तक करती है सिलेबस मिलता जुलता है जो 5 नंबर का सवाल था नकम्मे तो नकम्मा मास्टर चेक करने उसमें 2 नंबर तो दवाई एक भी नहीं दे रखा 0 दे रखी तो भाई इनकी भी बैठ जाओ अच्छा फैमिली आइडिया था आपने बेराया होगा थारा फूफा जिंदा है किस किसने देखा था थारा नहीं कह रहा हरा दादा दुलीप चंद है थारा फूफा जिंदा है आंदोलन ने देखा था नहीं देखा था ये कोरे को नहीं बोल रहा था 3 लाख पेंशन ही सैनी साहब ने खुद बताया 3 लाख पेंशन बनी उसके बाद लाखों बीपीएल कार्ड होने सिंह पुरे तारे हैं भाई उड़ा बुलडोजर चला था हम तक गए थे 6 बज गया था इनके थे घर बच्चे के मेरा तो अलग ही तोड़ गई लेकिन तंबू में आ गया लेकिन तंबू में भी आ गया सब तंबू दे रहे क्या याद रखेंगे जिंदगी भर ताई अरे एक मैंने नया मेरा पट्टा है मैंने जो बताई मैंने थोड़ी बार पास बताऊंगा ये पीजीटी कंप्यूटर वाले वाला भाई किधर है कंप्यूटर वालों को तो आगे होना चाहिए था वैसे
1711 तारीख 2019 में निकाली। ये अपनी बात रखिए, आप लोग रखिए ना, खड़े हो जाओ एक बार भाई। ने बड़ा क्या लेना हो नहीं हो तुम सारे के सारे, रूट का मारेगा बताओ। इनने क्या कसूर कर रहा है क्या भाई? लेकिन बस समस्या मेरा क्या आ रही है आके 1711 की समस्या है आ रही है, सात जने है ना बेचारा की समस्या यह है। सबसे बड़ा इश्यू तो यह है ना, तो 1711 की समस्या 1.5 लाख आदमी आ रही है, और 1.5 लाख में 10,000 भी आदमी आ जा किसा योगा थे समस्या समाधान ना करे हैं। मेरा काम है जगाना, जिसने जागना हो जागना है जाग जाओ, और जिसने मरना है गुलामी करना है वो मरो, बेशक हमने कोई मतलब नहीं है मुर्दे लोगों का, हमने कोई मतलब नहीं। कट्टर साहब तो एक बार भी नहीं मिले, नायब सैनी एक बार मिले, बोले छोटी मोटी। अच्छा छोटे मोटे काम के लिए और नुगाई में पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा कि है अगवे 302 लगवावे 307 लगवावे कौन सी धारा में जाएगा भाई नुगैर जी? ये हाल है भाई, देख लो तुम। ये लोग जब आगे बताओ ना जनता ने पहले पकड़ना चाहिए, जो लोग जहां हो रहे बेचारे उनके साथ क्या हुए हैं। जो अगर वो चेयरमैन एच एस एस सी वाला, ये नाम था उसका दीमक, दीमक है हाँ दीमक सिंह, वो किस तरह बदतमीजी करा है उड़े तो पता चलना चाहिए लोगों ने, और किस तरह का व्यवहार करा है उड़े वो। हे भाई वो जो क्या नाम है शीतल वाले कितने थे राजे कितने हैं, क्या बात डर गए लगते हो मेरे भाई है ना। तम नहीं तम तारे उम्र तो मानस हो, बाकी ये इनकी गल मेरा कितनी भूंडी बन रही है, इनकी कहना जितनी भूंडी बन रही है हरियाणा में इसी का ये तंगी थारी गले बिना बन रही इतनी भूंडी है। इन गला का वो मटर पनीर का गान तथा कति चकनी खवा रखी है सा। अरे थारे तो बात आओगी चिंता ना करो, 60,000 मान रहे थे अपनी तनख्वाह, इनकी 6,000 पाई। और जो LCLO है उनकी 0, कसम की बात है ये मैं तो नहीं आया मैंने इसे अजूबे का पता भी नहीं चले। और जब ये एक वहां गए हजारों भाई इकट्ठे हुए, उसके बाद सरकार गायब के काम रह गया, एक भी जो उड़े जाए दौरे चला गया ना भला बिना तनख्वाह के रिटायर कर देंगे तुमने, डर गए क्या करें बेचारे। अच्छा ये जितने भी यूनियन है ये प्रधान और इनके नेता बने हैं ना, ये सब तो पहले ये ब्याह है, सब तो पहले ये अफवाह है, मजाक की बात ना है। इनने पकड़ लिया सरकार और इनने पकड़ गए, डरा दे कोई किसे डरा दे कोई किसे डरा दे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तभी जिंदा थारी आवाज को जिंदा रखेगा चिंता ना। अब वो TGT वाले आए थे भाई, काल आ रहे थे वे, काल भी PC में चेयरमैन साहब ने कहा बोला 7,000 भर्ती कर दिया, मैंने कहा हम 3,000 तक कोई कैसी खाली है 4,000 करेगा, कत्ती मतलब शरेआम झूठ। फिर ये और जो कुछ इश्यू है इन पर भी आप लोग, क्योंकि ये चीज उठ रही है, एक तो नेशनल का नाम सुना है, किस किसने सुना 28 पे? अच्छा रे सारा ने, हरियाणा का 70% पानी मेरे भाइयों जहर का पियो। ये जो टाइम तो पहला गिनते नहीं हो रहे, जबर कही आए बाल उठ रहे हाड़े भी किसे का बहुत हाँ वो उठा रहा है, जो है कति नहीं शर्माना गंदा होने पर, क्योंकि जिसा भगवान ने बढ़ा दिया ठीक है शर्माना के, लेकिन इन्हें गंजे सिर का राज है का आपके जहरीला पानी पी रहे हो बाबा साहब, कोई मोटा हो रहा है किसा पेट में समस्या किसा किसे नाल की 70% पानी जहरीला पी हुए
इस देश में यो कदर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी मिलना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी नहीं बोलती, क्योंकि राजनीति पंजाब में भी करनी है, कोई सांस नहीं काटता। सुप्रीम कोर्ट के पक्ष है फिर भी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। पैसों लहर का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? रुका मारेगा बताओ, रुका मारेगा। फिर एक और चीज है, ये राजधानी बहुत पुरानी डिमांड है, खासकर वकील साथी होंगे आड़े, ई बंदर बना था, अंदर ताला खोया था, तीन तीन राजधानी है, तीन तीन हाईकोर्ट बना रहे हैं। हरियाणा के लोग अलग राज उड़ा जाना पड़ा इतनी दूर पुणे में, हाईकोर्ट तक केस लड़ने, 5 लाख केस हरियाणा वाला के जो धक्के खा उन पाटा है क्या? हरियाणा के अंदर अपनी अलग राजधानी हाईकोर्ट नहीं होना चाहिए भाई? पढ़े लिखे आ रहे हो इसलिए ये बात थर तक कर रहा हूं मैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक भाई ने भेजी है, भाई सरकारी अस्पताल अरे हॉस्पिटल अरे स्कूल, क्या हरियाणा के अंदर कोई भी नेता है अधिकारी है क्या उनके बालक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने चाहिए भाई? जैसे हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, अब मजिस्ट्रेट साहब का अगर बीमारी हो जाए कुछ तो क्या इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए? अरे रुक के मार गए बताओ, रुक के मार गए सरकारी, अरे रुक के मार गए बताओ, एक बात बताओ भाई, कोई नेता बीमार हो जाए उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए भाई? हम तक कट्टा है गांव इंसान तक कट्टा है, इनमें क्या है उड़ा सुबह भी न्यू लाड की बजाय न्यू मार रहे हैं सीधा है जोकर महेश क्या मारे अगर भाई? देखो वापस जानवर बात कराए, भला सरकारी स्कूल का नाश हो गया, अरे सरकार मास्टर मेरे कई दोस्त हैं, मास्टर है सरकारी 1 लाख रुपए तनख्वाह ले हैं, बड़का ने पढ़ा हुआ है प्राइवेट अपने मान तेन्यू क्या रू रहे बताओ भाई? ये न्याय है जिसका कति बेचारे का रोटी नहीं करा खाने में वो सरकारी स्कूल में, और उस स्कूल में वो मास्टर 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता है और अपने बड़का ने प्राइवेट में पढ़ा, वो नेता प्राइवेट में पढ़ा होगा, के मतलब है भाई? उद्घाटन गागौड़ा रिबन मतलब भाषण देगा 15 अगस्त ने सरकारी स्कूल में और अपने प्राइवेट स्कूल खोल रहा है, ये हाल है मेरे भाई हो जाग जाओगे ठीक है, नाश होगा ना तो कति नाश बताऊं उठरता मैं कति नाश, क्योंकि वोट तो हम गिरेंगे अपनी जात का नेता देख के, अपने धर्म का, अपने क्षेत्र का, पैसे आला पार्टी आला पावर आला, तो फिर तो भाई नुए बाद कमुआ बैठना पड़ेगा, देख लो ये कर सके। फिर भाई यो या की बारी है, नेताओं की संपत्ति इनकी सारे नेताओं की साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? अरे दोनों आठ अगर रुका नेताओं की संपत्ति के साथ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई। भाई साहब सारे के सारे पगड़ बिल्ले इंडिया में तो ले बिना रहे, विदेश में माल भेज रहा क्या सारा का सारा? ये जो एफिडेविट दिखा कर नहीं भाई सुनाओगे टेम्प झूठा हो मेरा झूठा कति झूठा, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसमें कितना लगते उतर क्योंकि मन में भर रहा क्या तो बैल अपना मां मैं तेरा पैसे लेते थोड़े मन घड़े लगते वहां के रहे एक नंबर के हो जा दो नंबर के हो जा कुछ न्यू तो माहौल होगा अब जाए तो रवि थोड़े रुपये हैं मैं वहां कोई तक पूछ जाएगा कोई ना पूछता भाई साहब मजाक ना करता मैं कोई ना पूछता कम लिख रखे हैं फालतू लिख रखे कुछ मतलब नहीं इतना फरोड़बाजी इस देश में चल रही है ना भाई साहब और चुनाव में नुका है चुनाव आयोग मेरे पास लगे एक और केस लगा ही मन मेरा है ये चुनाव आयोग वाले आ रहे हैं
40 लाख में बतेरे कई बार भी कई भाषण दे रहे आ जाए तो चुनाव लड़ो तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं है ना। मैंने को तुम आगे बढ़ लो मैं हूं तारी साथ भाई नुका चुनाव लड़ो। अरे भाई कम से कम 5 करोड़ तो टिकट लेती है पार्टियां कम से कम, और जिसका थोड़ा बहुत माहौल है वो 10 करोड़ रुपये और 5-10 करोड़ रुपये लाते हैं चुनाव लड़न में। इधर मारे तो बाप दादा को एमएलए एमपी को बिजनेस में सर रहे नहीं हम कितना लड़ा भाई 10-20 करोड़ कितना लाऊंगे 20 करोड़ रुपये मेरे द्वारा हो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकूं। एक ईमानदारी का बात बताइए मेरे भाई कती ईमानदारी दे। मैं 20 साल की तक आता को ना क्योंकि मेरा कूड़ कोई 1 साल तक आना है कोई 2 महीने तक कोई 6 तक कोई 4 तक 5 तक तब ने पिछले 2-3 साल में ज्यादा लंबा मत जाओ कोई भी विपक्ष का आदमी लड़ता देखे ही सरकार से हाथ लाग देखा चिड़ा। अरे कोई विपक्ष का लड़ता देखा तुमने सरकार से अरे भाई पे 1 दर्जन केस अरे 1 केस का और पता चल रहा है आसपास मेरे को महसूस हो रहा है 1 केस और घूम रहा है मेरे आसपास तो 13 केस 13 केस का मतलब 13वीं पक्की हो किसकी होगी मंदिर नहीं मरा भाई मेरी होगी किसकी होगी भाई हफ्ते में 1 तारीख भुगतू कोई नेता तुमने सुना है देखा है तुमने कोई भुगताओ है तुमने कोई नहीं। ये आजकल नेता अगणमुत्तन के अलावा हर तरह की वीडियो बनाते हैं एक भी आदमी के पास आ जाता है ना भाई साहब आप बहुत अच्छे हो 6 कैमरे वाले नो लगे रहे 6 इस एंगल से कहा भाई साहब बहुत अच्छे हैं भाई साहब बहुत अच्छे हैं मेरे कोई देखे इनके पर ना कोई समस्या लेके गया है देखा भाई तुमने कोई इन बड़ी बड़ी कोठिया में कोई ना जाता और थोड़ा भाई का तंबू सारी आना समस्याओं से रोशन रहता है पूरी तरह बात भरोसे की है ना भाई इत कई भाई मरता कहते हैं ये कह रहा भाई साहब कितना टिकट टिकट ले लो ने मैं जब टिकट के मेरे लक्षण लाते हैं मैंने ये मेरे टिकट के लक्षण लाते हैं तुमने ये दोनों आदत सुनानी पड़े है 20 परिवार है वे भकारे है भाई लोग गुलामी की आदत है तो भकाई हमारे हैं सवाल कोई नहीं था गारंटी अड़े मैं हूं अड़े तुम हो ये बता मरते नहीं बाकी तो भोलेनाथ की कृपा कद हो जावे बाकी मर भी गया ना मैं मर गया भूत बने काम और फिर पूछूंगा थरते यो ही नवंबर में 8 अक्टूबर मन हो जाएगा अगले 4 साल तक तुमने कोई दीख जा कोई सा भी नेता इतना बूंदा सो उठ रहा सारे नेता गए क्योंकि कोई वो पकड़ लिया मारा यो काम ना करे नू ना करे वो नेता बेरा भीतर भीतर के गए है डट जा तू एक महीना डट जा वो पास देखेंगे तेरे कोई ना पावे नुए धक्के खाओगे मैं इसलिए लोग आते कहूं भाई अपनी आवाज खुद उठाओ हर नवीन जगह संघर्ष बहुत से लोग नुगा भाई ये मिल रहा इतने दिनों में संघर्ष करते है राजघाट में देख आया सरकारी कोठी सरकारी गाड़ी 50 करोड़ का बंगला अफसर आईएस आईपीएस फलाना जखड़ा सोदा कुछ भी ना पाया करो कितने भी सब कुछ थोथा है थोथा 2% आदमी है भाई मर्द मानस का अंग्रेजी न लड़निया बागी आवाज थानिया जो सरकार 5 साल चली गई कि किसान आंदोलन हुआ है के हम लड़े हैं क्या ये पहलवान लड़े और कोई तो नकद कूड़ देखे भाई हिम्मत को ना बोलने की किस्सा की ये बीजेपी आए तो मेरा टिकट दें क्यों मोटा भाई आए थे देश का गृह मंत्री अमित शाह सांड घेर गया था उसके बारे आ गए सही सही हिम्मत है यो हड़ाई से तो साहब आ रहा होगा तो आगे उसके गड्डी के आगे घेर के देख दियो तो मैं 1 दर्जन केस आंदोलनों के लाग रहे हैं कोई चोरी उचुके के ना लाग रहे भाई कोई चोरी छेड़ने के ना लाग रहे मेरे पे तो इसलिए महाराज संघ रस्ते भगत सिंह को समर्पित है भाई नुमालियो श्रद्धांजलि है
नेताजी सुभाष बोस को, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, मदनलाल ढींगड़ा है, रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, खुदीराम बोस, उधम सिंह, जिन लाखों लोगों ने बलिदान दिया है उनका, उनके समर्पित मान लियो। जो ऊपर वाला करा आराम ते कह, क्योंकि जिसके दो दो मुख्यमंत्री डे रहे हो, जिनने इकट्ठा खा पी रखे हो, हम उन्होंने छोड़ा है मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो मैं इनने के मानूया होंगे अपने घर मुख्यमंत्री, इफ जिनने गुलामी करनी है, चमचागिरी करनी है, पानी मारना है, मारो, हम नहीं मारते। पानी मारने वालों को लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, शुद्ध पानी मारा करो, सॉइल का पानी आएगा तो शुद्ध पानी रहेगा। आप अपने नेता का पानी मारोगे, पानी खराब होगा, अगले का खाज होगी, क्या फायदा है? कई गलती कर जाते हैं, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे टिकट तो लाल ला रहे हैं, अब गर्मी चल रही है, ठंडा पानी मारियो, कदे गर्म मार दे अगला, बाजा बाजा हाँ ना फिर है ना, तो इसलिए जिन लोगों का मान सम्मान सवाई बढ़ता, मारा था भाई पूछे, जब तक हमारा बापू जी है ना, हमारे बापू ने एक बात कह रखी है, शर्म नहीं तो कौन आ रही, जब बापू मर जाएगा भाई, जब देख लेंगे, और मैं क्यों चाहूंगा मेरा बापू मर भाई, क्या बात कौन सा होगा, मतलब हम सिर झुकाते हैं कहीं जाके ना, मैं उन गुलाम लोगों को कह रहा हूं, तो तुम्हारे माँ बाप का सिर साथ में झुकता है, नहीं पता हो तो, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंडी बने तो कोई एंडी ना होता, एंडी बने मौके का नहीं ना, मरोड़ का करोड़ ला जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो यही बात आप सब साथ देखूंगा, आपकी आवाज जिंदा रखने के लिए, नवीन जैन भाई पास से हटता नहीं जब तक भोलेनाथ की कृपा है, लड़ाई लड़ेगा, और मारा कोई लोभ लालच वार जो कड़े नाल के आ रहे सही कहे जा है, ये भी कह रहे ना कोई बोला की बरा न्यू कट्ठे कर रहा हूं, न्यू कर रहा हूं, अरे भाई मन ने मेरे बनाए और 50 से मिले जाकर दिल्ली में पंजाब में पूछ जाओ, और जो पुराने साथी हैं उनने डेरा भी है, राजनीति करनी होती तो दिल्ली में भी कर लेते यार, के प्रॉब्लम हाड़ कर लेते। मैं एक जानकारी और दे दो, बहुत से कई बार कमेंट करते हैं भला तू भी तो नौकरी ला दिया था, मैं भाई नौकरी नुगार ना अपना पेपर देगा था, हंसिया हंसिया मैं केस साल रहता वो बम्बे में जब पटार थे, मेरा बाबू का सपना था छोरा पीटीआई डीपी ला गए, उसको क्या पता था इतना निकम्मा निकलेगा, लेकिन वो टेस्ट भी क्लियर कर दिया। फिर जब मैं वो आया ना, उस उनने केस की वहां देखी, मेरे तो ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया, केस की डिटेल देखी, तो उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग करा दी, तो थारी थारी मैं अपनी इतना ही नहीं खाई मैंने आवाज, और मैं ठाता भी नहीं, मैं अपने आप हाई कोर्ट में तो जाग लिया हूं भाई, लेकिन मैं फिर कहूं इन 25,000 बड़का ने सीएम साहब सैनी साहब इन बड़का ने नौकरी दे दी। अरे भाई मैं तो अपने भाइयों ने भी इतना ही कहूंगा, यही बात कहूंगा, लड़ाई लड़नी जरूरी है मेरे भाई, कितने लड़े हो, जो आड़ास कह रहे हैं और बढ़िया, ये आपके जो फोन है इन पर लड़ाई लड़ने की बात है, तो जो तरीका हो सका है आप लोगों से, नवीन जैन के बस का जो होगा वो मैंने कई चीज बताई को ना थी आप लोगों का, जो करे कल रात नैनो बोले भाई आके प्रशासन आले अखबार बोला नुनू करेंगे, मैं बोला भाई किसा का सामान ठाक लेकर नहीं जाते, आवाज है अपनी हम उठा रहे हैं, अरे भाई नहीं तो ईसा है केस करना मेरे पे कर लो, अरे भाई थारा जी करा ई बेस की तम्बू उठा ले जा, जितने बालक बैठ रहे उन्होंने अपने घर जान दो, मैंने बताई को ना थर तक लिया बात जाने के, मैं कोई बात ना छोड़ो, आप लोगों को नहीं पता कितनी समस्याओं का कितने उनका समाधान चुकर हो है। आप एक
ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन वाले भाई, ये ग्रुप डी के स्पोर्ट्स पर्सन है। मार्च में ये स्पोर्ट एक्स सर्विसमैन है और ज्वाइनिंग दी गई थी, कुछ बच्चों की कैटेगरी गलत हो गई, ऐसा कुछ है भाई। और भाई 9 मार्च से 6 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, इलेक्शन में भी ड्यूटी करी, वेरिफिकेशन पर स्पोर्ट्स वाले बच्चों का तनख्वाह नहीं दी जा रही, ड्यूटी करवा ली है, ड्यूटी कर ला रहे हो यार, मतलब फ्री में कभी सही में गए भाई। वाह नुकार है आप सैनी साहब, आप बड़े धन्य हो भाई। अगर जाए बात करनी थी दे, ये 25,000 है अभी 6 महीने फ्री कर ले, तू ज्वाइनिंग दे दे, कर दो या नहीं कर लो, ये हाथ ठावे को हाथ ठा दू। मजिस्ट्रेट साहब की थे जालिए, हाँ तो कहने का मतलब ये है अंक भाई इतना बुरा हाल बताओ, 6 महीने हो गए सैनी साहब, इसमें तो आचार संहिता नहीं हट रही होगी ना भाई है, इनके तो पैसे मिलने से नहीं मिलने से, हाथ ठाकर बताओ ठरी गल है भाई, चिंता मत करो। ये ग्रेडेशन वाला का तनखा ये मामला यही है ना सारा, सीएम सैनी साहब से मिल चुके हैं, कोई जवाब नहीं देते। ये डिपार्टमेंट का तनखा का मामला, तो कहने का मेरा मतलब यो है मेरे भाइयों, मेरा तो अपना ये मानना है, खासकर ये आप लोगों की है मैनिफेस्टो में ये चीज होनी चाहिए कि नहीं, लोगों की होनी चाहिए ना। तो भाई मेरा तो ये है 5-4 दिन का टाइम दे गए, और नहीं तो फिर सैनी साहब दूर चलो, अरे भाई सैनी साहब जवाब ढंग से ना देते फिर भाई कांग्रेस आना दूर चलो भाई, तुम अपनी उल्टी ले लो, मारा तो ये है। और इस बात में अगर अब ना हो अच्छी नाला बता दियो भाई, ये मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं भाई, एग्रेसिव हो रहे हैं वो, मारे बड़ो के बराए एग्रेसिव हो रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ भाई साहब, अरे आ जाओ हम तो मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो सरकार की तरफ से फरमान लाए हैं हमारी तरफ से भी एक बार फरमान सुना दो, क्योंकि मैं भी आपके जो है हरियाणा के नागरिक हैं, दुखिया हैं, जो थानेदार साहब हैं ये भी एक बार उनको फोन करके बता दो, एक बार हिम्मत कर लो, आप में भी वही खून है जो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का खून है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? जब सरकार के कह रहे हैं हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट सुन लो और ये सीएम तक पहुंचा दो कि भाई जो 25,000 ये जो हमारे साथी बैठे हुए अभी कुछ ड्रेस में बैठेंगे, कुछ मजिस्ट्रेट लगेंगे, इनको भी लगा दो, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके असिस्टेंट होंगे, कोई सीनियर होंगे, क्या बात सही है? अब ताकि जो है मजिस्ट्रेट साहब एसएचओ साहब ये जो आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए, ये बात सुनने नहीं आए, ये तो सीधा ऊपर से फरमान ले, अब फरमान आप समझ चुके हुए क्या आया है, लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, भारत माता की, भारत माता की। मजीशी साहब हाँ जी, देखिए हम आपका ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने के लिए पाबंद हैं, जिस गर्मजोशी से आप ज्ञापन दे रहे हो इसी गर्मजोशी से हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, आप जो काम कर रहे हो ये इलीगल है, ना तो आपके पास यहाँ बैठने की परमिशन सरकार के द्वारा दी गई है और ना ही आचार संहिता में कोई परमिशन मिल सकती। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज है, आपका जो ज्ञापन है, वो सरकार ने इसी पुरजोर के साथ हम पहुंचाने का काम करेंगे। और किसी के साथ मैं एक आग्रह और भी करना चाहूंगा कि बिना परमिशन के बैठना आपके लिए भी आचार संहिता का उल्लंघन है और हमारी भी कुछ पाबंदियां हैं, जिसके लिए हर आदमी को यह है कि आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है या गलत है
सही होगी जब इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो, लेकिन मैं आपकी बात जो है ना वो सरकार के खुद आने का काम करूंगा। भाई एक चीज और सुनियो, ये जितने भी बड़ के अपनी समस्या वाले हैं, ये जो 25,000 नौकरी वाले हैं ग्रुप पे 56 इधर, बृहस्पतिवार ने आप मुख्यमंत्री साहब से टाइम ले रहे हैं बृहस्पतिवार का, ना भाई 6 तारीख है, पांच तारीख तब 5 तारीख ने जित भी मुख्यमंत्री साहब पाओगे आप उन तक मैसेज भिजवा देंगे ताकि हमारी जो बात है हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तब 5 तारीख बृहस्पतिवार वीरवार होगा ना, हाँ वीरवार ने है तो जो भाई वीर भाई हैं वे उस दिन अब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो गए और फिर गाड़िया में मुख्यमंत्री साहब जित भी होंगे वहां उसके लिए चलाएंगे हमारी ज्वाइनिंग दे दो, ठीक है भाई वे मानेंगे ठीक है, और नहीं तो भाई फिर जो दूसरी पार्टी वाले हैं उन दोनों भी चाल पड़ेंगे, कहने का मतलब है आपा पेंडा नहीं छोड़ेंगे, यू अपने दौरे 15-20 दिन अपनी कोशिश पूरी करेंगे, बाकी तो भाई ऊपर वाला जाना की कर सकते आप, लेकिन उल्टे आप हटेंगे नहीं कहने की बात यह है, ठीक है भाई। और मेरी अपील है सारे भाइयों से करना तो होना पड़ेगा, देखो मैसेज तो इन दौरे जाहिर है, तो चलो कि मैं बहाने बनाते जाओ मैसेज अपना तो गया हुआ कि मैं है अब नहीं गया है, गया है जब मैं मुख्यमंत्री से मैं दो बजे चक्रा करना पड़ा है ना, तो ढीले मत ना हो मेरे भाई, ठीक है कह गया चल रहे कोई धींगा मस्ती नहीं, कोई कई गलत पे नहीं फला दिया है तो जाए धींगा मस्ती करा इनको आड़े धींगा मस्ती हुई है, 2 दिन हमने शांतिपूर्ण काटे आचार संहिता में काटे जिसमें कोई किसी ने परमिशन भी नहीं देता, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात ठाई ना, और केस लगेगा जो आडे के नाम का भी लगेगा तो थारे पे ना लगे मेरे भाई मेरे पे लगेगा, थारा किसा कोई लेना देना नहीं उसको, ठीक है ना, लेकिन कर ले रही है यार ट्रियो मनो हम उड़ा भी जाएंगे उड़ा भी देंगे मस्ती नहीं है, कह के जाएंगे बता के जाएंगे तरीके से जाएंगे ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है भाई। हाँ और जिसकी भी जो भी इशू है ये CPL वाले भाई कह रहे थे कि आप उल्टे नहीं हटे भाई LCL और CPL वाले तम हटोगे तेरे प्रधान हटे मन्ने मतलब नहीं इन बातों करना मेरा कोई फर्क पड़ता, ठीक है चाहे होमगार्ड डिस्चार्ज है कोई भी है अपना कैप्टन और बैनर गहल लेकर आया करो और अपना गाड़ी घोड़ा जब जी करेगा आप डेट देखेंगे उस डेट में और चालू हो मोड़ लो 1 महीने का टाइम ये और नेताओं गल भी तो हंड है लोग हंड देनी तब अपनी समस्या के लिए हंड लो यार है पीछे हट गया था भाई कुछ है भी कौन है मेरे भाई है ना, अरे न्यू मान लो के इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वोट मांगनी है उतना तो हाथ जोड़ना पड़े और पंगे करने पड़े डेट दराग रहे हैं टाइम दराग रहे हैं क्या करेंगे हम आ रहे हैं बात करते हैं टाइम देना दो भाई ना देना मत दो हम तो चल रहे ठीक है ना भाई, अरे उल्टे हटोगे तो कुछ ना मिलना है कुछ ना माँ भी दूध ना प्याती बड़का ने है ना करें आगे भी करेंगे आप कोई नेता नेता है तो बड़क है नहीं थारे जिसे ज्यादा लड़ रहे हैं ना इतनी भूडी गर्मी में किसी नेता रात ना हटे सुहाग दिखा दो सारा तड़के ती में भेसना होता मेरे तो बता दियो इतनी गर्मी में खड़ी करके दिखा दो ठीक है भाई ना ना मेरा कोई धन्यवाद मेरे भाई, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो डरे हैं और बड़काने डराओ हैं और जो रोके हैं दबाओ हैं, जिंदगी में इतने आंदोलन करे हैं कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बड़का को कभी अलग जाया हो क्योंकि हमने बेरा है वो मार तो रहा है हम बेरा है अलग रहे हैं तो मैं कभी दूसरे नहीं अलग बेरा है भाई मारे को ऑलरेडी इतने हो रहे हैं हमारे पवर होती रहेंगे हम कभी किसी हमारा मकसद है भाई बड़क जागरूक हो अपनी लड़ाई रहे उनकी समस्या का समाधान और आप लोगों ने भरोसा करा मारते मार दो राय भरोसा करके
आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि आजकल गर्म काका लोग लोगाई की करता ना भरोसा, लोगाई लोग का भरोसा करती ना, गलत बात नहीं है भाई, भाई का भरोसा नहीं करता, आप आए तो भरोसे में हो ना, तो न्यू नहीं गए थे अगल लठला गए गए थे कि नहीं गए, लठला के भाई अब केस होंगे, कहे केस हो गया भाई है, तो डरा मत करो, आंदोलन का तरीका हुआ है, एक तरीके दे सिस्टम दे ठीक है, और मैं उन शासन प्रशासन के उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस चीज के लिए हेल्प करी, भी ठीक है बिना उसके भी अपहान है अपने, हाँ ये जो बीसी वाले बालक थे बीसी ए बी वाले रिजेक्टेड वाला मामला तुम भी आ जाइयो भाई, गल सारा तो मुख्यमंत्री है एक बात बताओ माजी, जो अपने मुख्यमंत्री है वो तो टांग खेचते ही ज्यादा, ये उस दिन आए थे बालक है इनके साथ आला गलत हो रहा करती, क्योंकि हम खान का जिनाजा है जबांगा में मैं भी ना जाया रुकते, लेकिन मैं नुकूं था ये उस दिन सारे अपने ओबीसी के भाई आ रहे थे, माज का लिशा रसा पर ये पूरी तारी तारे थे अपने बैनर भी ज्ञापन भी, अब कदे हाड़ नु कदे अब तम्बू माड़ा है नरे ब्राह्मणा ने इकट्ठा करके ओबीसी बना रहा है, जाटा ने इकट्ठे करके बना रहा है, पंजाबी बनिया बुला रहा है और क्यों बुला रहा है, कहने का मतलब यू है जेनुअन इनका इशू है बड़खागा, और मेरे भाई आप मैं वैसे कह रहा हूँ आपका देख के आप कोर्ट में भी जीतोगे लेकिन आप भी खेल रही हो ठीक है ना, तो आप लोग ये भी आवाज इनके साथ भी भाई गलत हो रहा है कति ठीक है, चिंता मत करो उस तक कोई बदल थोड़ी इसके, तो चिंता ना कर मेरे भाई कह ले ठीक है भाई, अपना प्रसाद ले लो भाई ठीक है, राम राम भारत माता की, भारत माता की, ब्राह्मण देवता की, सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी खाने पर ड्यूटी लग रही थी, मैं खाने पर बढ़िया तरह से मैनेज करूं और सारे के सारे प्यार तक खाना लेना भाई।